हेलो किड्स, दिस इज़ योर शिप्रा मैम एंड यू हैव सीन द लास्ट पोर्शन ऑफ योर सेकेंड चैप्टर द बेल ऑफ जस्टिस। नाउ वी विल कंटिन्यू द हाफ एंड द लास्ट वन पोर्शन ऑफ योर सेकेंड चैप्टर एंड दिस इज़ योर क्लाइमैक्स पोर्शन एंड इट इज़ सो एक्साइटमेंट बिकॉज द रियल स्टोरी इज दिस स्टोरी यू विल फाइंड इन दिस पार्ट ऑफ योर लेसन। Okay, so we will continue with our lesson. One day, the people were amazed when they heard the ringing of the bell. एक दिन क्या हुआ कि लोग बिल्कुल shocked हो गए, क्या सुन के कि घंटी जो थी वो ring जो थी वो बज रही थी। अच्छा, क्यों बज रही थी? Because उसे तो कोई बजाता ही नहीं था। Everyone were terrified, क्योंकि वो डरते थे। लोग किससे डरते थे? राजा से डरते थे, कहीं ऐसा ना हो वो हमें पनिश कर दे, तुरंत के तुरंत कोई भी एक ऐसे अनाउंसमेंट कर दे कि उन्हें पनिशमेंट मिल जाए, तो इसलिए वो लोग डरते थे। इसीलिए कल्पित भी नहीं थे, दोषी भी कम थे। सो दे रैन टू द प्लेस वेयर द बेल वॉज हैंगिंग। जब लोगों ने उस घंटी को सुना तो लोग दौड़ दौड़ के उस प्लेस पर आए कि जब वहाँ पर बेल लगी हुई थी, दौड़ के आए कि देखने के लिए कि कौन इसे बजा रहा है। दे वर स्टिल मोर अमेज्ड to find that it was an old horse who was chewing the vine. वो देख कर और भी shocked हो गए कि एक बूढ़ा सा horse था जिसकी एज बहुत हो गई थी और वो उस वाइन को चबा रहा था, मीन्स जो बेल लगी हुई थी उसको वो चबा रहा था। The constant movement of the vine tied to the rope caused non-stop ringing of the bell. क्या हुआ कि जो घंटी से जो उन्होंने घंटी से जो उन्होंने रस्सी की जगह वाइन बांध दी थी वो उसको हिलाता जाता मीन्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट हो रहा था, तो इसकी वजह से जो बेल थी वो नॉन स्टॉप बज रही थी। सून द किंग्स जस्ट रीच द स्पॉट। तुरंत ही जो किंग का जज था, जो जजमेंट सुनाता था, वो तुरंत स्पॉट पर पहुँच गया, उस प्लेस पर पहुँच गया। फाउंड दैट द कंप्लेनेंट वॉज एन ओल्ड हॉर्स एंड नॉट अ मैन। उसने देखा कि जो कंप्लेनेंट है, मीन्स जो कंप्लेन करने वाला है, वो एक बूढ़ा सा हॉर्स है, एक इंसान नहीं है। ही टॉट इट मे बी पॉसिबल द मास्टर ऑफ द हॉर्स हैज़ इल ट्रीटेड एंड स्टार्व्ड इट। उसने सोचा कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो इसका मास्टर है हॉर्स का, मीन्स इसका जो मालिक है, शायद वो इसको बुरी तरीके से ट्रीट करता है और इसे भूखा रखता है। द हॉर्स इज देयर फॉर पुलिंग द वाइन रोप फॉर द जस्टिस फॉर द किंग। तो उस समय क्या हुआ कि जो हॉर्स था वो जस्टिस चाहने के लिए घंटी बजाता ही जा रहा था, जज के सामने वो कंटिन्यू उसको वाइन को चबा रहा था और घंटी बज रही थी। सो द जज समंड द मास्टर ऑफ द हॉर्स। तो फिर क्या हुआ, समन में सोता बुलाया, किसी को कॉल करके ऑर्डर करके बुलाना, समन किया। सो जो जज था उसने तुरंत ही एक रिटन जो नोटिस था वो उस मास्टर को भेजा जो कि हॉर्स का मास्टर था, मीन्स मालिक था, एंड इंक्वायर्ड of him about his cruel treatment of the animal in its old age. And पूरी inquiry की उसने कि किस तरह से वो एक cruel treatment कर सकता है इतने old age वाले animal के साथ। The master explained that the horse being old could not render him any service. Master ने explain किया कि ये इतना बूढ़ा हो गया है कि ये मुझे किसी भी प्रकार की जो service है वो नहीं दे पाता है, तो इसी वजह से कि उसने इसके साथ इस तरह से behave किया। सो इट वॉज नॉट इन हिज इंटरेस्ट टू फीड अ फीबल। तो वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके का जो मतलब उसको खिलाने के लिए इंटरेस्ट लेगा, और क्या है कि ये इतना कमज़ोर हो गया था तो क्योंकि वो उसको कुछ देता नहीं था तो वो एकदम कमज़ोर हो गया था, फीबल मीन्स कमज़ोर होता है। एंड अनसर्विसेबल एनिमल, और ये एक ऐसा एनिमल है जो उसको किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दे सकता है। द मास्टर ऑफ द हॉर्स कुड नॉट कन्विंस द जज। पर जो मास्टर था जज का वो किसी भी प्रकार से जज को कन्विंस नहीं कर पाया, समझा नहीं सका कि वो इसको इसलिए खाना नहीं देता क्योंकि ये काम नहीं करता है, तो ये समझा नहीं पाया। एंड फाउंड गिल्टी ऑफ इल ट्रीटमेंट, और अपने बुरे बर्ताव के प्रति, किसके प्रति बुरे बर्ताव करता था, हॉर्स के लिए, तो उसको गिल्टी माना गया। द जज इज कॉल्ड इट हिम फॉर हिज अनग्रेटफुलनेस। उसके इस गलत बिहेव की वजह से, उसकी इस तरह से मतलब कि वो इतना सेल्फिश हो सकता है, इस रीज़न की वजह से जो ये अनग्रेटफुलनेस वर्ड है, इस मीन्स होता है जैसे कोई सेल्फिश होता है ना, उसको बोलते हैं अनग्रेटफुलनेस। तो अपने अनग्रेटफुलनेस नेचर की वजह से उसने उसको स्कॉल्ड किया, डांटा, और उसके बाद एंड प्योरली सेल्फिश मोटिव्स, एंड पूरा तरीके से बता दे कि तुम कितनी भी ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हारे मोटिव्स जो हैं, इरादे जो हैं, कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं। ही ऑर्डर द मास्टर टू टेक द हॉर्स बैक।
उसने मास्टर को ऑर्डर दिया मालिक को कि इस घोड़े को अपने साथ वापस ले जाओ एंड फीड इट वेल एंड इसको खिलाओ एंड रिटेन इट प्रॉपरली टिल इट्स डेथ और इसको पूरी तरीके से अपने पास ढंग से रखो मतलब कि रिटेन मीन्स होता है अपने पास रखना जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए ये आपके ही पास रहेगा आपको इसके अपने पास रखना है सो दैट वॉज द जस्टिस मीन्स बैल जो थी वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं थी वो जानवरों के लिए भी थी एनिमल्स के लिए भी थी बर्ड्स के लिए मीन्स की जस्टिस जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं था उसके राज्य के जो एनिमल्स थे उनको भी जस्टिस दिया गया नाउ द कंक्लूजन इज दिस मेड द पीपल वेरी हैप्पी इससे क्या हुआ कि लोग बहुत खुश हुए एंड बर्न्स दियर द रेस स्लोगन इन प्रेस ऑफ किंग्स और फिर से उन्होंने अपना जो स्लोगन था वो फिर से स्टार्ट किया बोलना द स्लोगन वॉज वट वॉज द स्लोगन स्लोगन वॉज लॉन्ग लिव अवर किंग लॉन्ग लिव अवर किंग्स मीन्स हमारा जो राजा है वो बहुत सालों तक जीवित रहे द किंग वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड राजा भी बहुत संतुष्ट हुआ सेटिस्फाइड मतलब बहुत संतुष्ट हुआ टू फाइंड दैट द बेल ऑफ जस्टिस वॉज यूज इवन बाय एन एनिमल इन हिज किंगडम बेल ऑफ जस्टिस जो उसने लगाई थी वो एनिमल्स ने भी यूज़ की वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है मीन्स वो हजारों सालों तक इस बात के लिए जाना जाएगा कि जो उसने एक बेल लगवाई थी जस्टिस के लिए उसको राजा के की जो जनता थी प्रजा थी पीपल्स थे उनके साथ साथ एनिमल्स ने भी यूज़ किया इट वॉज ओनली द बेल दैट कुड सेव द लाइफ ऑफ एन ओल्ड हाउस ये वही बेल थी जिसने कि एक ओल्ड हाउस की लाइफ बचाई थी क्योंकि अगर वो बेल वो रिंग नहीं करता तो क्या होता कि उसको जस्टिस नहीं मिलता और उसके मास्टर के इल ट्रीटमेंट की वजह से उसकी बहुत ही जल्दी जो हालत ख़राब हो जाती है वो मर जाता मीन्स बिना उसके क्योंकि वो फीड नहीं करता और वो ओल्ड अपनी एज में जाके कहीं सर्वाइव भी नहीं कर सकता था तो वो मर जाता सो दैट वॉज द कम्प्लीट स्टोरी आई थिंक बच्चा पार्टी यू ऑल एन्जॉय दिस स्टोरी And the name of the chapter, The Bell of the Justice. So, I will say, you have to watch this video once or two times to understand this lesson well and then prepare your exercise, concentration and so on and so forth. Okay, class. Bye-bye. Have a great day.